नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के नीमका थाना जिले के एक छोटे से इलाके में, दरअसल जो सीकर जिले का हिस्सा था पहले नीमका थाना भी, लेकिन अभी पिछले दिनों गहलोत सरकार ने जाते जाते जिन 50 जिलों को राजस्थान को दिया, उनमें से नीमका थाना भी एक नया जिला बना। और नीमका थाना आज सुबह सुबह सुर्खियों में आया एक ट्रांसजेंडर के साथ हुई घटना के बाद। एक शख्स ने पाया कि सुबह 4-5 बजे जब सूरज उगने से पहले एक तालाब के किनारे एक महिला जैसी कोई शख्स है जो वहां पर बेहोशी की स्थिति में है, और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। और उसके बाद पता चला कि अमानवीयता बर्बरता के साथ कैसे एक और दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया गया। वैसे तो ऐसी घटनाएं राजस्थान नहीं, पूरे देश में हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आती रहती है, और हम इन घटनाओं को लेकर इतने आदतन हो चुके हैं कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और विपक्ष कुछ शोर मचाता है लॉ एंड ऑर्डर को, और अभी चुनाव का माहौल है तो उस शोर की भी ज्यादा जगह नहीं है। लेकिन पिछले 6 महीने से चुनावी माहौल में डूबे हुए इस प्रदेश में अब क्या सरकार को, जो कि खुद चुनाव के लिए दूसरे राज्यों के प्रचार प्रसार में खुद मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट तल्लीन है, वैसे तो ये संगठन का काम है और सरकार को अब अपने काम पर लग जाना चाहिए, लेकिन महिलाओं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जिस तरह की तस्वीर पिछले कुछ सालों से विपक्ष के द्वारा बनाई गई, क्या उस तस्वीर में बहुत बड़ा बदलाव आ पाया है? आज की घटना के संदर्भ में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हितेंद्र शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता, अनूप ठाकुर कांग्रेस से, राजेंद्र मधुकर जी राजनीतिक विश्लेषक, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, महेश शर्मा जी एडवोकेट हैं, जयपुर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हनी हमारे साथ सीकर से जुड़ी है जो की थर्ड जेंडर शोधार्थी है, वो इस विषय को करीब से देखने की कोशिश कर रही है, और साथ ही हमारे साथ रणवीर यादव है जिन्होंने इस घटना में सुबह सुबह जो कुछ हुआ उस घटना को देखने के बाद पुलिस को सूचित करने के पूरी प्रक्रिया में उन्होंने क्या कुछ देखा और क्या कहा, और उसके बाद डॉक्टर्स चेकअप पुलिस के द्वारा गवाही लेना, उसके बाद उन्हें नीमका थाना से जयपुर के SMS हॉस्पिटल तक पहुंचाना। इस पूरे दिन भर की प्रक्रिया में पुलिस के ऑफिसर से जो बातचीत हुई तो पता चला कि महिला के शरीर से कुछ लकड़ी के टुकड़े निकाले गए हैं। उस लकड़ी के टुकड़े जो अक्सर झंडे और कुछ चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह के हाथ में लेकर प्रचार किया जाता है, वो एक मोटी लकड़ी का करीब 7 से 8 इंच के टुकड़े महिला के शरीर से निकाले गए हैं। साथ ही काफी शरीर पर, चेहरे पर और निशान पाए गए हैं, और उसके बाद पुलिस अभी तक तफ्तीश में जुटी है। सबसे ज्यादा दर्दनाक इस पूरे मामले में, ये घटना में जो किस्सा है वो ये है कि इस महिला या ट्रांसजेंडर ने आज से 4 महीने पहले जनवरी में जयपुर के सिंधी कैंप थाना में एक FIR दर्ज कराई थी इसी शख्स के खिलाफ, जिस शख्स के खिलाफ आज पूरी वारदात के बाद आया है कि ऐसा हश्र जिसने किया, और ये हश्र तथाकथित महिला का या ट्रांसजेंडर का प्रेमी बताया जा रहा है। तो ये पूरी घटना बताती है कि हम किस तरह के समाज में आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने जैसा पहले कहा, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी घटनाएं हर दूसरे तीसरे दिन हमारे समाज में होती रहती है। तो हितेंद्र शर्मा जी, कानून व्यवस्था का सवाल, मुद्दा बहुत उठाया था आपने, क्या हो रहा है कानून व्यवस्था के नाम पर? जो नीमका थाना में हुई दुखद घटना, ट्रांसजेंडर के साथ जो अमानवीय घटना हुई, ऐसी घटना का समाज में कहीं कोई स्थान नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हुई है, क्योंकि अगर कोई घटना हुई है, घटना होना बहुत गलत है, हम लोग उसकी निंदा करते हैं और हम कहीं ना कहीं इस चीज को स्वीकार करते हैं कि कोई घटना हो रही है तो वो गलत है, मगर उस घटना के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए उस पे, जो नजीर पेश होनी चाहिए पूरे समाज के अंदर किसी भी अपराधी के खिलाफ,
हमने प्रयास किया है कि सभी घटनाओं को गंभीरता से लें और एक ठोस कार्रवाई सामाजिक दृष्टि से और कानूनी दृष्टि से हर घटना के पीछे हम लोगों ने प्रयास करके कोशिश करी है। राज्य स्तरीय अपराध हो, अंतर्राज्य स्तरीय अपराध हो, चाहे वो कानून व्यवस्था में पेपर लीक हो, जो भी विषय है, चाहे इनलीगल माइनिंग हो, हमने हर क्षेत्र में कोशिश करी है और हम लोग आने वाले समय पे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए कठोर कार्रवाई, चाहे किसी भी स्तर पर पुलिस को अलग से सेल गठित करना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार आते ही महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वेड का भी गठन किया है। इस तरह की कई चीजें हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं, लगाम लगे और कठोर से कठोर कार्रवाई इस तरह की चीजों पर हो। हितेंद्र शर्मा जी, जैसा कि मैंने कहा कि सिंधी कैंप थाना में 4 महीने पहले FIR दर्ज करवाई गई थी इसी शख्स के द्वारा, इसी ट्रांसजेंडर के द्वारा, क्या आपने कुछ पार्टी ने सरकार ने कुछ जानकारी जुटाई है कि उस FIR पर, उस शिकायत पर क्या कुछ हुआ, पुलिस की तरफ से क्या किया गया और इस घटना को रोका जा सकता था अगर उस समय कार्रवाई होती पिछले 4 महीने में, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं पहुंचता ट्रांसजेंडर। थाना स्तर पे वहां पे अगर कोई कमी रही है तो दोषियों के खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मुझे अभी व्यक्तिगत रूप से वहां जयपुर में जो थाने में इन्होंने इंटरनेट चला गया, अनूप ठाकुर जी आप, क्योंकि आप विपक्ष में हैं और आपने बहुत ज्यादा झेला है कि महिलाओं और कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा प्रहार था विपक्ष की तरफ से आपके ऊपर, इस मुद्दे पर आपने कुछ जानकारी जुटाई है कि दरअसल हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, पुलिस की सतर्कता में कहां कमी रही, अगर ठीक से पिछले 4 महीने में कुछ एक्शन ले लिया जाता तो शायद इस स्थिति से बच सकते थे। निश्चित रूप से मीना जी, इस ट्रांसजेंडर ने पूर्व में भी मुकदमा दर्ज कराया लेकिन पुलिस ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, ये सबसे बड़ा एक कारण इसमें है। दूसरी बात, ऐसी अमानवीय घटना के लिए कह देना कि ये निंदा, हम इसकी निंदा करते हैं, हम कार्यवाही करेंगे, आप देखिएगा कि जनवरी से लेके और अभी तक कार्यवाही नहीं हुई, इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी। और सरकार तो व्यस्त है, एक जो स्लोगन है पुलिस थानों के बाहर लगा होता है, अपराधी में भय आम जन में विश्वास, वो पलट गया, आम जन में भय और अपराधी में विश्वास वाली स्थिति हो गई है, वो नारा बदल गया सरकार आते ही। और आप देखिएगा कि ये वादे थे, आप अभी 2-3 दिन की घटनाएं जयपुर की जो राजस्थान की राजधानी है इसकी घटनाएं देखिए कि अभी श्याम नगर में मुकदमा दर्ज हुआ, 15 वर्षीय नाबालिग से कोई अनिल नाम के युवक ने रेप की घटना अभी श्यामनगर थाने की है। शिप्रापत थाने में 3 वर्षीय बालिका के साथ पड़ोसी ने रेप कर दिया, ये राजस्थान रेपिस्थान अब बना है। लेकिन ये जिस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन अब ये कह देंगे ये सब कांग्रेस में ऐसा होता था हमने ऐसा कर दिया। अरे भाई, कांग्रेस में होता था तो हम तो विपक्ष में बैठे हैं, अब आपने क्या कर डाला ऐसा परिवर्तन वो बताइए। उसका गंभीर कारण ये है, अभी मतलब आज या कल की घटना है, चित्रकूट थाने की सावित्री भट्ट नाम की महिला थी, उसकी चेन तोड़ के ले गए। आप कहते थे चेन स्केचिंग हो रही है, महिला अपराध। अनुप ठाकुर जी, विपक्ष की भूमिका आलोचना करने की होती है और कुछ फिक्स सेंटेंसेस होते हैं, वो तो आप जरूर बोले। मेरा सवाल ये है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हथियाई, लेकिन उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार की, ये जो भजन मंडली सरकार है, पोपा भाई वाली सरकार हो गई तो पोपा भाई का रौला है, जो चाहे वो करे, ये कुछ कर नहीं पा रहे। आप देखिए ना इनकी कार्यशैली में, कोई आपको लगा सरकार बनने के बाद कोई लॉ एंड ऑर्डर में कुछ परिवर्तन नजर आया हो? अरे, अपराधियों में विश्वास बढ़ गया, आम जन भयभीत है, ऐसा कैसा लॉ एंड ऑर्डर रही है? और अभी ये मोदी जी को चमकाने में लगे हुए हैं कि वे मोदी जी को वोट कैसे दिलाए, राजस्थान अनाथ है।
कौन मोदी जी को चमकाने में लगा है, कौन राहुल जी को चमकाने में लगा है, ये विषय नहीं है ना ही मेरा ये सवाल था। मेरा सवाल ये है अनूप ठाकुर जी कि आप क्योंकि अब विपक्ष में आ गए हैं, पहले विपक्ष में वो लोग थे, तो अब जो इस तरह की घटनाएं, जब भी कोई इतनी बड़ी घटना होती है तो वो एक दिन में नहीं होती, उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है, जैसा कि इस घटना से भी समझ में आ रहा है। कोई भी अपराध एक दिन में होते हैं लेकिन वो उनकी संख्या काफी कम होती है। मेरा सवाल ये है कि अब विपक्ष को थाना दर थाना, जिला दर जिला, इस तरह की स्थितियां पुलिस किस तरह से काम कर रही है, प्रशासन किस तरह से काम करना है, इस पर होमवर्क करना शुरू कर देना चाहिए। चुनावी एक तरफ चुनाव चलता रहेगा लेकिन एक टीम विपक्ष की ऐसी भी होनी चाहिए जो सत्ता पक्ष को इन सब मुद्दों पर घेरे। सवाल ये राजीव तिवारी जी, सवाल ये राजीव तिवारी जी कि क्या अब चुनाव 4 जून तक सरकार, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये सब इसी तरह से चुनावी कैंपेन में ही हिस्सा बनते रहेंगे, मशीनरी इंतजार करती रहेगी, या अब काम शुरू कर देना चाहिए सरकार को? देखिए, पिछले 4-5 महीने हो गए सरकार को बने हुए, 3 दिसंबर को रिजल्ट आए थे, 15 दिसंबर को सरकार बन गई थी और कैबिनेट भी उसके करीब 13-14 दिन बाद कैबिनेट का भी गठन हो गया था। लेकिन आप ये देखिए कि जो अपराध की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि अभी बढ़ी है। हर बार जब भी चुनाव होते हैं तो नेता लोग तो जो सत्ता पक्ष के होते हैं वो अपने को वापस विजय दिलाने के लिए, और विपक्ष के होते हैं वो सत्ता पक्ष को गिराने के लिए, सारे नेता उन कामों में लग जाते हैं। ना तो सत्ता पक्ष अपनी भूमिका निभा पाता है, ना विपक्ष अपनी भूमिका निभा पाता है। वो जनता को अपने भरोसे छोड़ देते हैं कि भैया राम भरोसे रहो तुम तो यही वजह है कि आप देखिए कि लगातार रोज अखबारों में मैं तो पढ़ता हूँ कि 2 चेन स्नैचिंग हो गई, ये हो गई, अवैध निर्माणों की बाढ़ आ गई, कॉलोनियां कट रही हैं, एक आध दो कॉलोनी को ध्वस्त करते हुए भी ऐसा अखबारों में पढ़ने को मिलता है। लेकिन ये अमूमन जब भी चुनाव होते हैं, आज से नहीं, पिछले 40-45 साल से देख रहे हैं, जब भी चुनाव होंगे तो ये सारी चीजों की एकदम से तेजी आ जाती है। लेकिन सरकार को कम से कम ये तो चाहिए कि कहीं ना कहीं, ये तो है नहीं कि सारे मंत्री ही चले जाते हैं चुनाव प्रचार के अंदर, स्टार प्रचारक जाते हैं। अब तो जब आपके प्रदेश में चुनाव खत्म हो गए, मतदान खत्म हो गया, उसके बाद तो सरकारी मशीनरी को एक्शन में आ जाना चाहिए। और जो इस सबके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ, पुलिस की जो कार्यशैली है उसमें बहुत बदलाव हो गया है। आप किसी भी खबर में या कोई भी आपराधिक घटना में आप देख लीजिए, लास्ट में 2 लाइन परमानेंट लिखी रहती है कि पुलिस आसपास के सीसीटीवी को खंगाल रही है। अब ये कॉमन लाइन हो गई है हर अपराध की घटना के पीछे, एक ये कॉमन लाइन हो गई है। पहले होता था कि पुलिस अपने मुखबिर, जो पूरा नेटवर्क होता था, उसको पकड़ती थी, उसके द्वारा पूरा काम लिया जाता था, कैसे अपराध हुआ, क्यों हुआ, कब से चल रहा था, इसके पीछे साजिश या रंजिश, वो सारी चीजें खुलकर सामने आ जाती थी। अब तो जब तक अपराधी नहीं पकड़ा जाता तब तक यही मालूम नहीं पड़ता कि आखिर इसके पीछे कारण क्या था। आज वाली घटना में भी यही है कि जब तक अपराधी को पकड़ लिया है, जो भी एक जिस पर शक था उसको, अभी उसको भी अपराधी तो नहीं कहेंगे, अभी तो उसको शक में पकड़ा है उन्होंने, तो अब जब तक कि वो नहीं मुंह खोलेगा तब तक हमारा तंत्र इस तरीके का हो गया है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस पे या सीसीटीवी कैमरों पे, इन पे आप देख लीजिए सारे जितने केस है पिछले जब से ये सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू हुए हैं, आप देख लीजिए कि जितने भी केस हैं उसमें 80% से ज्यादा केस अगर सॉल्व होते हैं या अपराधी पकड़े जाते हैं, उसके पीछे मोबाइल, सीसीटीवी कैमरा या ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस ऐसी जो वहां पे लगी हो, उसके आधार पर ही वो पकड़े जाते हैं। तो अब ये सिस्टम सारा बदल गया, तो अब ये पीछे क्या चल रहा है, वरना पहले कोई 2 लोगों में रंजिश चल रही होती थी तो मुखबिर उनको बता देता था कि देखो साहब यहाँ कोई कांड होने वाला है,
इन लोगों की इस तरीके से मीटिंगें चल रही हैं, इस तरीके से गिरोह जुड़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो पुलिस सतर्क हो जाती थी, उनको पकड़ लेती थी। तो पुराने जो लोकल DYSP या एडिशनल SP या थानेदार, वो उस तंत्र पर ज्यादा भरोसा करते थे और वो बहुत कारगर तंत्र होता था, उससे अपराध होने से पहले लोग पकड़े जाते थे। अब वो चीज अपराध होने के बाद पकड़ में आते हैं, ऐसा नहीं पकड़ में नहीं आते, पकड़ में अभी भी आते हैं, लेकिन उसका जो पूरा अपराध होने के बाद अब पुलिस सक्रिय होती है, अपराध से पहले सक्रिय होना चाहिए उनको, मतलब पूरी सक्रियता पहले से रखें तो अपराध में वैसे ही कमी आ जाएगी। जी, तो पुलिस पुलिस का जो रवैया है, पुलिस की जो कार्यशैली है, वो बहुत लंबे समय से चर्चा का विषय है। पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत बात होती है इस तरह के केसेस में। महेश शर्मा जी, अब तो तीन तीन नए कानून भी आ गए हैं, अब तो पूरी इंडियन पेनल कोड को ही बदल दिया गया है। जी, लेकिन उसके बाद भी SP से जब पूछा गया नीम का थाना से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा नहीं है, बस हम तहकीकात कर रहे हैं। डॉक्टर से जब बात की गई तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, क्रुएलिटी हुई है और पूरे चेहरे पर निशान है, गले पर निशान है, और बॉडी के भीतर जिस तरह से जख्म है, वो बताते हैं कि जिसने भी किया है इंटेंशनली किया है, बेहोश, मतलब बहुत बर्बरता की है, और बॉडी बिना, मतलब आधे कपड़ों में, कपड़े नहीं थे शरीर पर, जब बीच सड़क पर जो पानी का तालाब है उसके पास जो बॉडी पाई गई थी, वो शख्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। राजेंद्र मधुकर जी, मैं आपके पास आऊंगी जब और स्थिति और ज्यादा बेहतर विस्तार से अगर आप बता सके वहां पर किस तरह की इस बात को लेकर जो डिस्कशन चल रहा है। लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा, सवाल यह है कि जब 4 महीने पहले एक FIR है और उसके बाद इस ट्रांसजेंडर के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, अभी मेडिकली किस तरह की स्थिति होती है और कितना समय लगता है इम्प्रूव होने में, और उसके बाद तहकीकात कैसे आगे बढ़ेगी, लेकिन पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, पुलिस का एक्शन, पुलिस को जिस तरह से काम करना चाहिए और जो नहीं करता है, उसमें उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए कानून में जिस तरह की प्रावधान है, वो क्या कहते हैं, मतलब पुलिस आराम से स्टेटमेंट देगी और जिस शख्स ने ऐसा किया है उस तक पहुंचेगी, तब तक तो पानी तो फिर चुका है, ऊपर से बह चुका है। नमस्कार मीना जी, और मैं एक ओपन को भी नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो ये जो विषय है तात्कालिक विषय है, लेकिन इसके पीछे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है और पुलिसिंग, वो बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है, और इस पर लगभग 1956 से लॉ कमीशन और पुलिस कमीशन की रिपोर्ट्स हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रोटोकॉल, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब कुछ अलग अलग एजेंसीज को देना चाहिए। होता यह है कि जब भी कोई VIP मूवमेंट होता है या कोई नेशनल इलेक्शन या स्टेट इलेक्शन जैसी चीज होती है, तो पुलिसिंग जो है वो लास्ट नंबर पर चली जाती है। वहां पुलिसिंग में केवल एक हेड मॉरल थाने में बैठा रहता है, सारी नफरी बाहर होती है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि पुलिसिंग की जो व्यवस्था आज हमारे यहाँ लागू है, चाहे कमिश्नरेट सिस्टम कर दिया हो, चाहे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेट करते हो, लेकिन जो ये जो लोग जिस ढंग से काम कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारों पे काम करते हैं और बहुत बहुत ही भद्दे तरीके से ये काम करते हैं। मैं आपको एक, सारे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं, मैं आपको बताता हूं। अभी कांग्रेस के एक भाई साहब कह रहे थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं खुद एक पिटीशन हाईकोर्ट में मैंने स्टे करवाया है, और वो राजस्थान के वर्तमान शिक्षा जो मंत्री हैं मदन दिलावर साहब के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि फला व्यक्ति इतने वर्ष के हो गए हैं, वो कभी भगवान को प्यारे हो सकते हैं, और 302 का मुकदमा दर्ज हो गया। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, क्या पुलिसिंग है? आप देखिए, वो मुकदमा आज ही पेंडिंग है, उसको मैंने हाईकोर्ट से इससे करवाया, एक उनके सडिशन का चार्ज लगा दिया,
उन्होंने जब कहा कि अमुक इलाके में राहत सामग्री बांटी गई, अमुक इलाके में नहीं बांटी गई, ये सारी चीजें रिप्रेजेंटेशन पहुंचे, सबकी नजर में है, अखबारों में बड़ा बड़ा छपा है, कम से कम दोनों हिंदी पेपर हैं जो प्रमुख अखबार है, लीडिंग अखबार है, उनमें छपा के मदन दिलावर के खिलाफ 302 का मुकदमा स्टेटमेंट देने पर। तो आप देखें क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग जो है और उनके पॉलिटिकल मास्टर्स का बिहेवियर है। अभी कांग्रेस के भाई साहब तीन आगरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, यही तो यही तो 3 महीने पहले भारतीय ने जब विधानसभा जैसी पवित्र जगह पर कहा जाए कि ये तो मर्दों का प्रदेश है इसलिए सब होता रहता है, तो ये ट्रांसजेंडर के साथ में हुआ है, वो भी तो उसी तरह से लेंगे। बात ये है कि जब तक पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारों पर पुलिस काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन का आपने अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि साहब जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है वो ये हो गया है कि अब आजकल ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा कुछ करते नहीं है। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन आप एक रूम में बैठकर कर सकते हैं, आप उसके मोबाइल के सर्वेलेंस लोकेशन टाइम और सीसीटीवी वीडियो फुटेज वो देख के कमरे में बैठकर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी क्वालिटी क्या होगी। मैं आज का या कल के अखबार में मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, आज ही के अखबार में, कि जो टोंक कलेक्टर है उनके यहाँ एसीबी ने जब रेड की तो उसकी कार्रवाई पहले ही लीक हो गई। तो आप इससे ये जांच सकते हैं कि प्रदेश में चाहे ए की सरकार हो चाहे बी की सरकार हो, पुलिसिंग जो है वो एक ही तरीके से काम कर रही है, किसी के ऊपर कोई अंकुश नहीं। और दुख की बात यह है कि अदालतें भी बड़े विषयों पर तो ध्यान देती हैं लेकिन आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रीमियर सब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर एजुकेशन ये ऐसे प्रीमियर सब्जेक्ट है। और क्योंकि हम सोशल वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है, हमारे 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 फंडामेंटल राइट्स में प्रोटेक्शन का राइट दिया है हमको, अब उसके बावजूद भी अगर हमारी पॉलिटिकल मास्टर्स पुलिसिंग को सही नहीं करते हैं, केवल वो अपने पॉलिटिकल एम्स को ही या पॉलिटिकल गोल जो उन्होंने सेट किए हुए केवल उसमें काम करते हैं, तो आम जनता ऐसे ही भगवान भरोसे रहेगी। जी, तो जो आम जनता इस वक्त भगवान भरोसे है क्योंकि सरकार चुनी आम जनता ने, लेकिन सरकार और संगठन का फर्क पूरी तरह मिट गया। जगदीश शर्मा जी, राजेंद्र जी, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी प्लीज। जगदीश शर्मा जी, सरकार और संगठन अलग अलग बनाए गए हैं, व्यवस्था की गई है संविधान के तहत भी और व्यवस्था के तहत भी, लेकिन कोई फर्क नजर नहीं आता है। कोई जनता को जो गारंटी दी गई वो गारंटी तो पीछे चली गई, नई गारंटी देने की बात ही हो रही है। तो जो गारंटी दी गई है उनमें आज क्या काम हो रहा है, कोई पूछे तो आपको दिखता है कहीं प्रदेश में कि कुछ काम हो रहा है? सरकार को क्या इस तरह से संगठन के साथ मिलकर चुनावों में खुद को झोंक देना चाहिए? मीना जी, ऐसा है, चाहे सरकार कोई भी हो, वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, उसको चलने का तरीका एक ही होता है, मंशा की बात होती है, उसको चलाने वालों की मंशा क्या है। अब मंशा अगर सही है तो चीजें सही होंगी। आप ऐसा मानते हैं, हमारे यहाँ पर जो एकेडमिशिया है उसके अंदर ये माना जाता है कि अगर आपने लाइन ऑर्डर यानी कि पुलिसिंग को बिल्कुल ठीक कर लिया, क्योंकि ये एक फील्ड ऐसा है जो कि पब्लिक को डायरेक्ट प्रभावित करता है, हर कॉमन मैन को ये प्रभावित करता है, क्यों? क्योंकि उसकी सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा होता है इससे। अगर इसको ठीक कर लिया तो समझिए आपने आधी सरकार को ठीक कर लिया, आधी सरकार बिल्कुल ठीक चलेगी। अगर लोगों को पुलिस के मामले में हमेशा वो सहायता मिलती रहे, उनकी मदद होती रहे, उनका इन्वेस्टिगेशन बढ़िया हो, क्राइम पे कंट्रोल हो, ये चीजें हो जाए तो सरकार का वही बल्ले बल्ले है फिर तो। और अगर ये नहीं होता है तो फिर देखिए दूसरे डिपार्टमेंटों में भले ही आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, उसका कॉमन मैन से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं होता है। तो एक सरकार को अच्छे तरीके से चलाने का पहला मकसद ही यही होता है कि सबसे पहले जो सड़क पर जो काम हो रहा है, जो काम जो है आए दिन का है, रोजाना का है, हर आदमी से जुड़ा हुआ है, उस काम को सबसे बेहतर किया जाए, और वो ही है पुलिसिंग। पुलिसिंग अगर बेटर होगी तो काम बढ़िया चलेगा।
पुलिस तो जितनी हमारे पास है उतनी रहने वाली है, उसके सिस्टम्स को बदलना पड़ेगा। क्राइम के तरीके बदल गए, क्राइम के जो है शॉर्ट्स जो है दूसरी जगह पहुंच गए, यानी कि जिनको टारगेट दूसरी जगह किया जाता है। तो ऐसी जगह पर किस तरीके से हमको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, किस तरीके से क्राइम नहीं हो इसकी पहले से बंदोबस्त करना चाहिए, वैसी व्यवस्था अभी भी लागू नहीं हुई है। और ये महेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अब जरा सा मान लीजिए कोई त्योहार आ गया, सारी पुलिस फिर सड़क पर, जरूरत क्या है इतना? चुनाव आ गए तो सारी पुलिस सड़क पर। अरे भाई, व्यवस्था के लिए अलग भी होती है फोर्स, और भी होता है, लेकिन जो क्राइम हो रहा है ये चीजें हो रही है, ये तो हाथों आती निपटने की चीजें हैं, इनको आप पेंडिंग नहीं छोड़ सकते। विजिलेंस को पेंडिंग नहीं छोड़ा जा सकता, विजिलेंस तो होगी होगी। रात की जो गश्त होती है शहरों में वो तो होनी ही चाहिए, वो अगर रुक गई तो फिर तो कुछ भी होगा। ये चीजें ऐसी है जिसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा कि उसको सिक्योरिटी के फ्रंट पर किस तरीके से पुलिस को यूज करना है, और उसमें कितनी, अब वकील साहब ने तो उदाहरण भी दिया दिलावर जी के, दिलावर जी तो जब से पॉलिटिक्स में आए तब से पुलिस और दिलावर जी के चोली दामन का साथ है। वो हर दो चार पांच छह, अब मिनिस्टर है इसलिए नहीं, पहले एमएलए थे तो हर दो चार छह महीने में कोई ना कोई मुकदमा उनके ऊपर बना रहता, उस तरह के बिहेवियर ही उनका इसी ढंग का है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो कॉमन मैन के लिए जरूरी है वो तो आपको व्यवस्थित तरीके से करना ही पड़ेगा। उसमें तो मदन दिलावर का उदाहरण डॉक्टर महेश शर्मा जी ने दिया है, जगदीश जी, तो उदाहरण का मतलब ये है कि जब पुलिस के ऊपर जिनका सिक्का चलता है उन लोगों का व्यवहार जब इस तरह का होता है, वहां पुलिस लाचार होती है, ऐसे आम आदमी के लोगों में क्या पूछना और क्या बात करनी, वो तो ठीक है वोट काउंट होता है और वैसे ही केस काउंट होते जाएंगे, केस दिखते हैं, हमने अब कितनी स्पीड बढ़ा दी है टेक्नोलॉजी की मदद से, हमने केस कम कर दिए हैं, एफ आई आर दर्ज ज्यादा होने शुरू हो गई है, काफी चर्चा करने के लिए। तो सवाल ये राजेंद्र मधुकर जी, उनका थाना में और स्पीकर में आस पास के, जैसे तो पूरा सीकर शेखावाटी सीकर जिले का ही पार्ट था ये, माधोपुर में जहाँ ये घटना हुई है, जिला बदल गया है, दिन का थाना हो गया है, वहां पर किस तरह लोगों के बीच में चर्चा है? क्योंकि जैसे डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि तात्कालिक विषय है, दरअसल तात्कालिक विषय है ही नहीं, वो तो हर दिन का विषय है, जगह बदलती है, व्यक्तिम बदलता है और परिस्थिति बदलती है, बस और कुछ नहीं बदलता। बिल्कुल मैडम, आपने सही कहा, कोई भी जब अपराध होता है तो उसके पीछे तीन बड़े कारण माने जाते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक कारण माने तो प्रजा सोनी पर दंड जागता है, मनुस्मृति में लिखा हुआ कि दंड शास्ति प्रजा सर्व दंड भिरक्षति दंड सुप्तेषु जागृति दंड धर्म विदुर बुधा। यह दंड सभी प्राणियों को नियंत्रित करता है, दंड उनकी रक्षा करता है। जब प्रजा सोनी पर दंड जागता है, बुद्धिमान दंड को कानून मानता है। लेकिन आप बताइएगा कि कोई समसामयिक नहीं है, तात्कालिक कारण नहीं है। 9 जनवरी की यह घटना है जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, उसके बाद पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ये मुझे कहते बहुत दुख होता है, और ये सच्चाई भी है कि भारत के एक जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला ने लिखा है कि भारतीय पुलिस सर्वाधिक संगठित गुंडा तत्व है और भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इसलिए मुझे कहना पड़ेगा कि जिन्होंने लूटा सरयाम मुल्क को, उन लफंडरों की तलाशी कोई नहीं लेता, गरीब लहरों पर पैरे बैठाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि लो एंड ऑर्डर की हम पालना करते हैं, आप कहते हैं कि आम जन में विश्वास पैदा करेंगे, अपराधियों में डर पैदा करेंगे। आप सचिन नामक इस लड़के ने एक फोन लिया था, जो ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, उनसे एक फोन लिया था, 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी और प्रेम प्रसंग में उन्हें उलझाया गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने इसको बहुत हल्के में लिया, ये बहुत ही अनुचित है। एक कारण तो मैं इसको मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी पुलिस इसलिए शिथिल है क्योंकि अभी भी हमारी जो भजनलाल सरकार जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भजनलाल सरकार अब टॉप गियर डालने वाली है, लेकिन यहां जिस तरह से पुलिस के प्रति पुलिस जिस तरह से शिथिल दिखाई दी, मुझे लगता है सरकार ने अभी उस तरह से एक्शन लिया नहीं। पहला कारण मैं पॉलिटिकल मानता हूं। दूसरा मैं सामाजिक कारण मानता हूं कि आप देखिएगा न केवल सचिन बल्कि उनके पूरे परिवार के व्यक्तियों ने घायल किया है और किस तरह से मतलब उनके चेहरे को नोचा गया है, दांतों से काटा गया है, गुप्तांग में लकड़ी पाई गई। आप सोचिएगा किस तरह से क्या कोई सामाजिक प्राणी ऐसा कर सकता है। इसका मतलब है कि हमारा जो समाज है कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से लिप्त है और वो परिवार लिप्त है। उसका मूल कारण कहीं आर्थिक आता है क्योंकि धन की लालसा सचिन में थी और पूरा परिवार जो है सचिन के साथ खड़ा है। पहले ये माना जाता था कि जब भी कोई क्राइम आप करते हैं तो घर वाले उनका पक्ष नहीं लेते थे बल्कि उनको दंडित करते थे और कहते थे ये अनुचित है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हमें इस बात पर भी चिंतन करना पड़ेगा कि हमारे समाज में विसंगति पैदा हो गई है और समाज में कहीं ना कहीं किस तरह से जो सदाचरण है उसके या जो नैतिक मूल्य है उन पाठों को पढ़ाया जाना चाहिए, तभी हमारा समाज सुदृढ़ होगा। जी मीना जी, रणवीर यादव भी जुड़े हैं हमारे साथ। राजेंद्र मधुकर जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही ना, हमारा समाज दरअसल उतनी अच्छी अच्छी बातें सिर्फ बातों में करता है, व्यवहार में एक्शन में जो कुछ होता है उसकी तस्वीरें हम बार बार अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से देखते हैं। आज की तस्वीर भी उसी की गवाही है। रणवीर यादव जी, पूरी घटना के बारे में एक बार थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि महिला को पुलिस स्टेशन तक ले जाने में पुलिस को सूचित करने का काम आपने किया था। जी मैम, सुबह कितने बजे की घटना है, क्या कुछ हुआ था जरा बताइए। सुबह 6:30 बजे की टाइम की बात है। मेरे चाचा का लड़का था, वो फ्रेश होने ही हाजिर आया था, तो उसने देखा कि वहाँ डेड बॉडी पड़ी है, तो वो घबरा के मेरे को कॉल किया। मैं घर से उठ के आया, गाड़ी लेके घर से उठ के आया तो वहां देखा तो मेरे को तो लगी मतोस्ता में पड़ी है, मुंह पे चोट लगी हुई थी, ब्लड आया हुआ था, शरीर पे और भी छोटे थी, पीछे के हिस्से में गांठ भी डाली हुई थी। और फिर मैं हमने देखा तो उसकी थोड़ी सांस चल रही थी, फिर हमने घर से कोई कपड़ा मंगा के उसको और ढका और फिर थाने में फोन किया और 108 को फोन किया हमने। कितनी देर लगी रणवीर जी आने में? आने वाले गाड़ी आने में लगी कम से कम घंटा भर। फिर कितनी देर हॉस्पिटल जाने में लगी? क्या मैं घंटा भर के लंबे हॉस्पिटल जाने में कितना समय लगा रणवीर जी? मेरे को आने में नहीं, हॉस्पिटल जाने में लगी। वो मेरे चाचा के लड़के को फोन करने के बाद में 5 मिनट में तो मौके स्थल पे पहुंच गया था। नहीं, हॉस्पिटल ले जाने में कितना समय लगा, डॉक्टर्स ने क्या कहा चेकअप करने के बाद? वो जो सचिन है जिस पर आरोप है उसका घर इस घटना स्थल से कितना दूर है? नहीं, ये 1 किलोमीटर के भीतर है, लास्ट किलो 1 किलोमीटर होगा, इससे ज्यादा नहीं है। आप जानते हैं पहले से सचिन को? नहीं जानता मैं, शक्ल से हो सकता मैं जानता हूँ, ये देखा हुआ, वैसे नाम से भी नहीं पहचानता मैं उसको। जब पुलिस लेकर गई थी हॉस्पिटल तब महिला अचेत ही थी हॉस्पिटल जाने, जब पुलिस लेकर गई थी तब भी महिला एओसी हालत में, उसके कोई हाथ पैर हल रहे थे, आपने उसको लूगरी उठाई, जब उसका थोड़ा पेट वाइब्रेट सा होने लगा, उसके बाद हमारे को मानता है सांस ले रही है। और जब हॉस्पिटल लेकर गए भाई, जब मालूम चला भाई डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा, आपकी बात भी, आप गए थे वहां पर? मैं साथ में नहीं गया था मैम। ओके, तो आपके इलाके में रोशनी क्या मेरे को सुनने में आया था, वो श्रीमद रोशनी ले जाया गया, वहां पे ग्लूकोज चढ़ने के बाद में उसको होश आ गया था, लेकिन पूरी तरह बोलने की स्थिति में नहीं थी।
तो वहां से उनको सीकर रेफर कर दिया गया। उसके बाद आपके इलाके में पुलिस का एक्शन किस तरह से नजर आया और चर्चा किस तरह की वहां पर? अच्छा रहा सर, बिल्कुल वो पुलिस का बहुत शानदार रहा। तो डिप्टी साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे और पत्रकार भी आए थे। उसके बाद पुलिस का बढ़िया फंड रहा। लोगों का क्या रिएक्शन है, लोगों के बीच में किस तरह की चर्चा है रणवीर जी? स्थिति देखने के बाद में आक्रोश तो है भाई, इतने तो कोई अहमान भी नहीं कर सकता ऐसी साथ की है। तो सचिन के घर के आसपास कोई रिएक्शन देखने को मिला लोगों का, गांव वालों का? हाँ, पुलिस कोई सबूत उठा रही थी पूरे दिन पर मैं लगती जी। पुलिस सबूत के बारे में जांच हो रही है, क्या कुछ सामने आता है निकलकर घटना के बीच में, क्योंकि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, प्रेम प्रसंग का मामला था, उनके उनके कोई लव वो कोर्ट मैरिज भी कर रखा है ऐसे भी सुनने में आ रहा है। उससे बोले तो कोई 10-20 लाख रुपए भी ऐंठ रखे हैं इसने। ये कम से कम तो 5-6 महीने का मैटर चल रहा है। ये किन्नर 2-4 बार गाड़ियां भर के आए भी थे इधर उन्होंने भी। अब और क्या सत्य वो तो वो जाने या ऊपर वाला जाने। आप लोगों को रणवीर जी, आप लोगों को भी गांव में जानकारी है कि किन्नर 2-4 बार गाड़ियां भर के यहाँ आए थे? जी बिल्कुल जानकारी है, सुना था मैंने, देखा नहीं था मैंने, सुना है बिल्कुल 2-4 बार गाड़ियां भर के आए थे। क्या क्या सुनने को मिला था? ये भी सुनने में आ रहा है उसने 10 लाख रुपए देके उससे राजीनामा की बात भी चल रही थी जी। पैसा और महिला, ये दो चीजें चाहिए समाज के एक वर्ग को, जिन्हें जो खुद को पुरुष कहते हैं, माफ कीजिएगा सभी पुरुषों के बीच में अकेली महिला हूँ यहाँ पे। हितेंद्र शर्मा जी, ये जो पुरुषवादी सोच है जिसमें यहाँ पर रणवीर यादव जी ये कह रहे हैं कि 2-3 बार किन्नर का ग्रुप आया जयपुर से कि उस किन्नर के साथ जो कुछ हो रहा था वो सचिन के द्वारा सही नहीं हो रहा था, पैसे भी ऐंठ लिए और उसके बाद इस तरह से शोषण भी हुआ, तो पुलिस की कार्रवाई, हितेंद्र शर्मा जी आपको लगता है कि थोड़ी और रफ्तार से हो सकती थी जयपुर से? अपने सिंधी के थाने में पहले से इसने इसके खिलाफ सचिन के खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज बता रहे हैं भाई, मुकदमा दर्ज करवाया था उसने। हितेंद्र जी, अगर सिंधी के थाने में 9 जनवरी की एफआईआर उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इस घटना की जांच कराई जानी चाहिए, हमारी सरकार इसकी जांच कराएगी। और अगर कोई दोषी अधिकारी कर्मचारी पुलिस के भी इसमें संलिप्त है, किसी ने लापरवाही करी है, तो ये तय मानिए कि उनको भी इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ विभागीय स्तर पे होगी, 100% होगी, क्योंकि हमारी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है। हम लोग कांग्रेस के खिलाफ, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ हम अपराधों को लेकर गंभीर आरोप लगाते थे और आंदोलन करते थे, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि हाँ हमने कांग्रेस के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। और उसकी सिद्धि जो सीएम साहब के ओएसडी थे लोकेश जी, उनने भी 2 दिन पूर्व करी कि हमारी सरकार आपसी लड़ाई में उलझी हुई थी, पुलिस का पूरा ध्यान सरकार की जासूसी पे ही लगा हुआ था, सरकार को बचाने में लगा हुआ था, इसलिए उस समय तो अपराध बेलगाम हुए थे। हितेंद्र जी प्लीज जो पूछा गया आपसे सवाल उसका जवाब अगर है तो दीजिए, नहीं तो ईमानदारी से स्वीकार कीजिए। उसके जवाब दिया, उसके जवाब में आरोप लगाना है। अगर सिंधी के थाने की तरफ से कहीं कोई लापरवाही हुई है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर थाने की तरफ से कोई लापरवाही हुई है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सवाल ये अनुप ठाकुर जी की, एक दिन घटना होती है, हम बैठ के चर्चा करते हैं, जनता आक्रोश में आती है, रोष भी आता है, पुलिस थोड़ी सी सख्ती दिखाती है, थोड़ी सी सक्रियता दिखाती है और फिर अगले दिन सब कुछ वैसा ही। और इसलिए यहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा कहते हैं कि ये तात्कालिक विषय है जो कि स्वाभाविक लगता है, समझ में आता है। अनुप ठाकुर जी, विपक्ष में है आप इस वक्त और कमजोर विपक्ष है कई मायनों में,
ऐसा भी कई बार चर्चाओं में आता है, आप बेहतर जानते हैं कितना कमजोर है और कितना मजबूत है। ये जो सामाजिक मुद्दे हैं, अगर इनको ठीक से टेकअप नहीं करेंगे अनूप ठाकुर जी डेली बेसिस पे, तो क्या विपक्ष मजबूत हो जाएगा सिर्फ टीवी डिबेट्स में या फिर कुछ चुनावों से पहले और चुनावों के बाद, और बल्कि पहले ही कहना चाहिए थोड़ा सा आक्रोश दिखाकर? मीना जी देखिएगा, अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो हम न्याय के लिए कांग्रेस के जवान युवा बुजुर्ग न्याय यात्रा के माध्यम से 4000 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले, पैदल चले, 4000 किलोमीटर पैदल चले। इतना मजबूत विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाते आए हुए, और जिस मुद्दे पर सरकार भारतीय जनता पार्टी ने हत्याई है, तो मैं समझता हूँ अभी 5 दिन के, मैंने आपको थाने के नाम बता रहा हूँ राजस्थान की राजधानी के, श्यामनगर में अनिल नाम के युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, शिप्रापत थाने में 3 वर्षीय बच्ची का मामला दर्ज हुआ, खिलाकर रिपीट करने की बजाय आप ये बताइए कि इन सब मामलों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 की संख्या में इन लोगों के पैरोकार बनकर क्या थाने में गए? निश्चित रूप से इन मामले को, अभी ये त्वरित घटना है और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हम प्रदेश कांग्रेस की ओर से और जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मामले में हम क्षेत्रीय और जो प्रदेश के हमारे अधिकारी हैं उनको अवगत भी कराएंगे, और उसके खिलाफ निर्धारित समयावधि में कार्यवाही नहीं होगी तो हम सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे, इस भजन मंडली सरकार जो है इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, पूर्व में भी किए और वर्तमान में भी करेंगे। हितेंद्र शर्मा जी, क्या इस घटना के बाद, ये एक छोटी सी घटना कुछ लोगों के लिहाज है, कुछ लोगों के लिहाज से ये बहुत दर्दनाक घटना है, कुछ लोगों के हिसाब से ये समाज को रोंगटे खड़े करने वाली घटना है, हर व्यक्ति का अपना नैरेटिव है, इसे सोचने का तरीका है, कुछ लोगों के हिसाब से ये रूटीन है, होता रहता है। मेरा सवाल ये हितेंद्र शर्मा जी कि क्या आप इसे एक अलार्म मानकर अब सरकार को एक्शन मोड में लाने के लिए संगठन की तरफ से पैरवी करेंगे कि सरकार अब थोड़ी सी कामों की तरफ ध्यान दे, अफसर पुलिस प्रशासनिक मशीनरी त्वरित हो जाए अब थोड़ा, कि कैसे एक्शन में आए मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट जो है वो चुनाव प्रचार में है, पूरी व्यवस्था तो नहीं है? देखिए, सरकार पूरी तरह से पहले दिन से एक्शन मोड में है। हमने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, चीटिंग जो पेपर लीक है उसके खिलाफ टास्क फोर्स का गठित किया, और सरकार की तरफ से इस घटना पे या इस तरह की सभी घटनाओं पे सख्त से सख्त कार्रवाई पहले भी हुई है, और आने वाले समय में ये जो घटना हुई है इस पे भी हमने संदिग्ध को पकड़ा है, और एक दिन या दो दिन के अंदर इस घटना का खुलासा होगा। मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर कहीं प्रशासनिक स्तर पे या पुलिस की तरफ से इसमें कोई लापरवाही हुई है तो लापरवाह कर्मचारियों और अधिकारियों पे भी कार्रवाई होगी, जिससे कि आगे इस तरह की कोई घटना और लापरवाही ना हो। कोई भी अपराध चाहे किसी भी स्तर पे हो, हमारे लिए सभी अपराध बहुत गंभीर हैं। हम सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते आपको इस चीज का विश्वास दिलाते हैं कि छोटे से लेके बड़ा तक कोई सा भी अपराध हो, सभी अपराध हमारी ओर से बहुत गंभीरता से लिए जा रहे हैं। और एक शब्द का जो बार बार अनूप जी इस्तेमाल कर रहे हैं कि सरकार हत्याली, सरकार हत्याली, सरकार जनता ने हमें दिए और ये जनादेश को हत्याने का नाम दे रहे हैं, जनादेश का अपमान कर रहे हैं। इसीलिए आज कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि देश में कांग्रेस की स्वीकार्यता समाप्त होती जा रही है। 9 अप्रैल से लेके और अभी तक मीना जी लगभग 110 दिन, आप समझिएगा 9 अप्रैल से आप गिनेंगे तो 4 महीने 9 मई को पूरे हो जाएंगे। मतलब सरकार इतनी गंभीर है कि 4 महीने में उस ट्रांसजेंडर की FIR पे कार्रवाई नहीं की गई, और ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बड़ी गति से काम कर रही है और अपराध के मामले में हम सजग हैं, तो ये कौन सी सजगता का मतलब वो प्रमाण जारी करना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सरकार को नहीं पता, इतनी बड़ी घटना हो जाती है पूरे प्रदेश में, आप देखिएगा भय का वातावरण क्रिएट हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ 5 दिन में रोज राजस्थान की राजधानी में रेप के कांड हो रहे हैं, 3 वर्षीय बच्ची तक को नहीं बख्शा गया, ये कौन सा रामराज है,
ये कैसा रामराज मोदी जी लाए, कौन सी गारंटियां थी महिला की सुरक्षा की, कम से कम कोई जवाब देगा। 110 दिन के अंदर मौन, उसके बाद कह रहे हम बड़े गंभीर हैं, हमारी सरकार ने ये फैसले कर लिए, ये निर्णय कर लिए। कम से कम इस मामले पे गंभीरता, महेश जी भी अभी कह रहे थे ठीक है सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, लेकिन ये समाज का मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है। कांग्रेस ने ये किया था, हमने वो किया था, तो हम तो विपक्ष में बैठे हैं। आरोप प्रत्यारोप करने की जगह इस मामले पे समाज के लोगों को, मैं समझता हूँ, बड़ी गंभीरता से चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि कैसे इस पर रोकथाम होनी चाहिए, उस पर विचार करने की बात करें। अपन 9 अप्रैल की FIR पे आज तक कोई कार्यवाही हो ना पाए, और हम ये कहते नहीं सरकार बड़ी, माफ कीजिए लाइट पावर कट यहाँ पर राजधानी में आप लोगों को परेशानी हुई। राजस्थान जी बोलिए, राजीव तिवारी जी। मैं अनूप ठाकुर जी को कह रहा हूँ, तारीख तो सही बोल दो, 9 अप्रैल की नहीं 9 जनवरी को दर्ज हुआ था। 9 जनवरी से 9 अप्रैल निकल गया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 9 जनवरी से सर 9 अप्रैल निकल गया, 3 माह हो गए, 9 शर्मा जी से 4 माह पूरे हो जाएंगे। हितेन शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, आजकल नए सिस्टम में सारी जितनी भी FIR दर्ज होती है या शिकायतें दर्ज होती है वो ऑनलाइन दर्ज होती है। हिंदी कैंप वालों का सिर्फ इतना सा ही हो सकता है कि उन्होंने 0 FIR दर्ज करके और उसको फतेहपुर भेजा कि नहीं, और मेरी आवाज आ रही है आपको, जल्दी से उस पर कार्रवाई करी कि नहीं। तो जब होम डिपार्टमेंट इसमें क्या कर रहा है, जब हम सरकार कह रही है कि हम बहुत सतर्क है, होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास है, वो जाते हैं थानों के इंचार्ज और वहां की आमद रफ्त और वो उनकी अटेंडेंस करके आते हैं, तो ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते कि रोज की रोज जितनी FIR दर्ज हो वो होम डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो, और होम डिपार्टमेंट से CMO, क्योंकि CMO में ही होम डिपार्टमेंट भी आता है, तो CMO तक जाए कि भाई आज पूरे प्रदेश में या राजधानी के अंदर 50-100 कितनी FIR दर्ज हुई और उन पर क्या कार्रवाई हुई, अगर सारी 0 हुई है या 10 0 हुई है तो वो संबंधित थानों तक गई कि नहीं गई, और संबंधित थानों में गई तो वहां की क्या प्रोग्रेस है, वो एक सप्ताह में 10 दिन में 15 दिन में 5-5 महीने थोड़ी लगेंगे उसकी स्टेटस रिपोर्ट आने में जी। और सब सरकारें करती हैं, आके वो तो सब चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं, VVIP दौरों में व्यस्त हो जाते हैं और दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं, जिनसे उनको पेपर्स में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनको हेडलाइंस मिलती हैं, उनको में व्यस्त हो जाते हैं, फिर आम पब्लिक की कौन सोचेगा। जगदीश शर्मा जी, जो सवाल मैंने पहले किया था राजीव तिवारी जी की बात से, उस सवाल को एक बार फिर आगे बढ़ाती हूँ कि क्या अब सरकार और संगठन दोनों को अलग अलग अपनी भूमिका की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने से चुनावी माहौल है। बिल्कुल, दिसंबर से पहले से, नवंबर में तो चुनाव ही हो गए थे, तो उससे भी पहले 2-3 महीने यानी अगस्त सितंबर से यही माहौल चल रहा है, और अगस्त से आप देख लीजिए करीब 8-9 महीने हो जाएंगे, साल ही पूरा हो जाएगा, अप्रैल तो आ गया, मई जून जुलाई अगस्त 8 महीने हो गए, अगस्त में तो पूरा एक साल ही हो जाएगा, तो आखिर किस मोड पे। इससे पहले कांग्रेस सरकार चल रही थी, क्योंकि वो सत्ता में थी तो कांग्रेस ने भी वही 4 महीने उसमें बिताए अपने जो ये चुनावी मोड में, उसके बाद से BJP ने भी उस समय विपक्ष के रूप में वो हल्ला तो खूब मचाया वोट लेने थे कि साहब राजस्थान तो रेपिस्तान बन गया और ये हो गया और वो हो गया, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, अब कौन सी हो रही है, अब भी वही है। अगर आप केसेस की गणना करने बैठोगे तो लगभग समान या उससे ज्यादा ही केस निकलेंगे जी। तो जगदीश जी, 7-8-10 महीने अगर आप चुनावी मोड में ही हैं और आपकी पूरी मशीनरी सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि ठीक है आप उससे बाहर निकल के आएंगे, तब तक अफसर भी आराम फरमा रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो अफसरों को काम पर कम से कम, बिकॉज एक व्यवस्था के तहत काम हो सकता है कि ठीक है राजनेता चुनाव में व्यस्त हैं तो व्यवस्था चलती रहे, रिपोर्टिंग होती रहे, कैबिनेट मिनिस्टर्स मिनिस्टर सरकार जो है वो रिपोर्ट होती रहे कि भाई रोजाना डेली बेसिस पे काम बढ़ रहा है। आज की तारीख में सचिवालय में कोई काम नहीं हो रहा है, पुलिस थानों में कोई काम होता नहीं दिख रहा है,
पीएचक्यू में कोई काम नहीं है, सब बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि सरकार 3 महीने की यहाँ पर अपने अफसरों को ये दे कि अगले 3 महीने में हमें स्टेट में क्या काम करना है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करें, जैसे ही चुनावी उससे बाहर निकलेंगे फिर वापस लगेंगे। आज की तारीख से तो ये लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव खत्म होंगे नहीं, राज्यों के चुनाव आएंगे, फिर उसमें प्रवासियों के लिए चले जाएंगे अलग अलग मंत्री और मुख्यमंत्री। तो मतलब 365 दिन चुनावी मोड में सिर्फ 2 व्यक्ति नहीं रहेंगे, पूरी पार्टी रहेगी और पूरी सरकारें भी रहेंगी। देखिए चुनाव चुनाव की जगह है, सरकार अपना काम कर रही है, जिम्मेदारी से कर रही है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये चीज कहना चाहूंगा कि ये जो सामाजिक विषय है, ये सामाजिक बुराई है, इसका हम सबको पक्ष और विपक्ष को मिलकर एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। सरकार गंभीर है, सरकार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है किसी भी प्रकरण में। हाँ हो सकते हैं कुछ केस हुए हैं, कहीं ना कहीं अपराध हुआ होगा, मगर अपराध के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, अपराधियों के ऊपर जिस तरह से उनको सजा दिलाने से लेकर और सभी काम होने चाहिए, वो काम हमने पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, इनकी सरकार जब थी कांग्रेस की, अभी अनूप जी को थोड़ा सा बुरा लगेगा, इन्हें याद होगा 12 में इनके नगर अध्यक्ष को इनका नगर का महासचिव मार देता है और सरकार के संरक्षण में उन लोगों के साथ ये अपराध हो जाते हैं। कांग्रेस में कांग्रेस ही सुरक्षित नहीं थी। हम लोग कह रहे हैं कि अगर अपराध हुआ है तो हम उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं और उस पर कार्रवाई होगी। कठुआ, हाथरस, उन्नाव, मणिपुर और आपके ब्रजभूषण शरण और हाल ही में देवगौड़ा जी के सुपुत्र प्रज्वल जी जो आपका हिंदुस्तान छोड़ के फरार हो गए, आपकी सरकार कर क्या रही है, किस पे घेरना चाहते हैं, किस पे बात करना चाहते हैं? सरकार आपकी बात है अनुज जी, सरकार आपकी बात है। कर्नाटक में, कर्नाटक में सरकार आपकी है, राजस्थान तक सीमित रह गए। अभी तक एनर्जी जितेंद्र जी अभी राजस्थान तक रही है, भारतीय जनता पार्टी का है। कर्नाटक पे बात कर रहे हैं उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, कर्नाटक में सरकार आपकी है। मोदी की ताकत बढ़ रही है, 1000 अश्लील वीडियो वायरल हुए आपकी जानकारी में है, उसके खिलाफ 200 मुकदमे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है और मोदी जी का वह भाषण है कि इसको जो वोट पड़ रहा है इससे हमारी ताकत बढ़ रही है और वो विदेश चले जाते हैं। हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है, क्या मोदी जी की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती? राजस्थान में आके गारंटी गारंटी करते हैं, अब कहाँ गए मोदी जी? इन गारंटी को कौन जवाब देगा? यही मीना जी थी, इन्होंने कहा था कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बता रहे, तो क्या मोदी जी आके जवाब देंगे? अब मोदी जी जवाब नहीं देंगे और भजन लाल जी का भी प्रशिक्षण काल चल रहा है, ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, तो इन चीजों का कम से कम जवाब सुनिश्चित होना चाहिए। और आप कह रहे गंभीरता से, गंभीरता से, अगर ये गंभीरता है तो फिर सरकार गंभीर नहीं होगी तो इस प्रदेश का क्या होगा, क्या नंगा नाच होगा प्रदेश में? क्या क्या सरकार गंभीर है, सरकार गंभीर है, पूर्ववर्ती सरकार के समय पे जो अपराध हुए थे उन पे कार्रवाई होती है तो आप लोगों को क्यों बुरा लग रहा है? हितेंद्र जी मुख्यमंत्री जी थाने में गए थे रात को निरीक्षण करने के लिए, औचित निरीक्षण करने के लिए। अरे अनूप जी रुकिए ना, मुख्यमंत्री जी थाने में औचित निरीक्षण करने के लिए गए थे हितेंद्र शर्मा जी, उससे 1 किलोमीटर दूरी पर था ये थाना, बहुत दूर नहीं था। राज्य की राजधानी का ये हाल है, राज्य की राजधानी में 4 महीने पहले जो FIR हुई उसके बाद आज यहाँ से 200 किलोमीटर जाने के बाद ऐसी दुर्घटना हुई है जिसमें अभी क्या कुछ होगा, किस स्थिति में फिजिकल फिटनेस इस ट्रांसजेंडर की कितने दिनों में वापस आती है, ये तमाम सवाल है। जगदीश शर्मा जी, मैं हितेंद्र जी से एक सवाल पूछ लूंगा छोटा सा, फिर जगदीश जी जी पूछिए। मैं इतना कह रहे लॉ एंड ऑर्डर पे हमने बहुत काम कर दिया और इतना सब कुछ कर लिया, 8 बजे बाद सारी शराब की दुकानों पे शराब मिल रही है और ज्यादातर जो क्राइम हो रहा है वो रात को ही हो रहा है। कल भी देखिए वो गाड़ी चढ़ा दी, 2 बेचारे खानाबदोशों को मार दिया, 6-7 घायल हो गए और दूसरे जितने भी ये क्राइम हो रहे हैं, शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो हत्या कर दी, एक बॉडी अभी मिली थी वहां पे घाट की गुणी के आगे। तो ये जो सारी चीजें हैं आप कह रहे हो कर दिया, आप बताओ कौन सी दुकान पे नहीं मिल रही 8 बजे के बाद, आप यही बता दो मुझे, तो एक दुकान बता दो जहां नहीं मिल रही हो।
फिर कर क्या रही है आपकी पुलिस या आपका भाई, हमें नहीं पता आपके यहाँ पे मिल रही नहीं मिल रही, हमारे यहाँ नहीं मिल रही, और अगर कहीं इस तरह की कोई चीज हो तो मैं तो दुकान का नाम बता दो एक भाई साहब तिवारी जी, अगर कहीं इस तरह की आपको किसी क्षेत्र की जानकारी तो आप हमें बताओ, हम उसकी कार्रवाई कर कमाल कर रहे बेचारे हितेंद्र जी के पास कार्रवाई कैसे करोगे, क्या आंख बंद करके बैठे हो आप लोग? बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है, और उनके चेहरे पर जो मुस्कान आई ना आपके सवाल से, उनको समझ भी नहीं आया कैसे रिएक्ट करें राजीव जी, तो वो बेचारे थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर वो आप बता दो दुकान ये कह के इस सवाल से बच गए। सवाल पर सवाल दागना सबसे अच्छा तरीका होता है उससे बचने का। देखिए अभी भी कितना मुस्कुरा रहे हैं, मतलब दारू का नाम है मुस्कुराना है, हा? देखिए क्या स्थिति है देखिए तो फिर कैसे अपराध को रोकेंगे जगदीश? पूरा पैनल मुस्कुरा रहा है। हितेंद्र शर्मा जी ऐसी ही कुछ मुस्कुराहट बीजेपी मुख्यालय में भी सुनने को मिलती है, मिलती थी जब हमने बहुत किस्से सुनते हैं, अभी भी सुनते हैं कि आपके जो पहले के प्रभारी थे वो जब रहते थे तो किस तरह से वहां का माहौल था और उस माहौल को सब ऑब्जर्व करते थे लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता था। वैसी स्थिति आज सरकार की लग रही है, जैसी उस समय संगठन की थी प्रदेश के मुख्यालय की, वैसी स्थिति आज सरकार की लग रही है कि आप मुस्कुरा रहे राजीव जी के सवाल पर। मैं राजीव जी के सवाल पे पूरी गंभीरता से जवाब दे रहा हूँ कि वो बताएं ऐसी कहीं घटना हो रही है क्या, अगर किसी थाने में इनकी जानकारी में है तो ये जिम्मेदार नागरिक के नाते बताएं, हम उससे कार्रवाई करेंगे, अवगत कराएंगे। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो आप किसी से भी पूछ लो किस पे नहीं मिल रही, सब पे मिल रही है। हितेंद्र जी को मालूम नहीं है एक बार गाड़ी लेकर निकलिए, अपने साथियों से बात करिए, कुछ इलाकों की तस्वीरें मंगवाइए, आपको पता नहीं है कुछ ऐसे जो उससे बात करिए, घटना बताइए तो हम उसको जरूर जानकारी करेंगे। 11 कमाल कमाल है हितेंद्र जी, कुछ तो जिम्मेदारी और जवाबदेही निकला हुआ है उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। यूट्यूब पे सब रेस्टोरेंट वाले देते हैं कि साहब दोपहर को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक खाना मिलेगा, फिर सरकार तो आंखें बंद करके बैठी, राजीव जी बताएंगे। हाँ बोलिए। सरकार चलाने का तरीका है, इनकी सरकार या हो एक्स की सरकार हो या वाई की सरकार हो, मैं तो कह रहा हूँ सभी के लिए कह रहा हूँ, मैं इनके लिए नहीं। जब गहलोत जी ने 8 बजे का टाइम किया था तो क्या सोच के किया था, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि गहलोत जी ने जब 8 बजे का टाइम किया था तो क्या सोच के किया था, क्या उगाई के लिए किया था, क्योंकि उस समय भी सब जगह मिल रही थी, आज भी मिल रही है, तो फर्क क्या आया? जो ये कह रहे ना लॉ एंड ऑर्डर में बहुत फर्क आ गया, वकील साहब आप उनकी वकालत मत कीजिए, मैं तो दोनों पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, और भी कोई पार्टी का शासन होता तो उसके लिए भी बोलता मैं आप ही की बात कर रहा हूँ कि अगर राजीव तिवारी साहब ये बताएंगे कौन सी दुकान खुली हुई है, कौन सी खुली नहीं है, खुली शटर सबके डाउन होते हैं, आपकी ड्यूटी क्या है, आप कैसे रिस्पॉन्सिबल है, आप किस तरह से सरकार चला रहे हैं? और मैंने वहीं पे वो दुकान है उसके 15 कदम आगे आपकी पीसीआर खड़ी रहती है। 30 सेकंड अपनी बात करता हूँ। मैंने जो जगदीश शर्मा जी ने कहा कि वो मदन दिलावर साहब का, मैं किसी व्यक्ति के कंडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई एफआईआर रजिस्टर होती है तो सीओ की नॉलेज में होता है, उसके बाद में मंथली मीटिंग्स होती है, क्राइम मीटिंग होती है, उसमें एसपी उसको देखता है, फिर आईजी के पास जाती है, और उसके बाद में डीजी और उप डिवीजन के हिसाब से होने के बाद में डीजी के पास में जाती है। इनकी मंथली एवरीडे इनकी सर्वेलेंस होती है, आजकल सारा डेटा अवेलेबल होता है। मैं जो कहना चाह रहा था कि एफआईआर एक स्टेटमेंट पे 302 की रजिस्टर कर ली और किसी पॉलिटिकल मास्टर के कहने पर कर ली, तो पुलिस के जो ऑफिसर थे जिनकी सुपरवाइजर की नेग्लिजेंस है उनके ऊपर क्या काम हुआ? अगर कोई स्टेटमेंट देने पर 302 का मुकदमा तो दर्ज नहीं हो सकता। आप जो कह रहे हो 9 जनवरी की ये घटना है, 9 जनवरी को अगर एफआईआर, और मैं दूसरा एक बात कहना चाहूंगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है हमारे यहाँ, क्रिमिनल लॉ दो तरह से एक्ट करता है, एक तो क्राइम होने के बाद एक्ट करता है और एक कुछ होता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स किए जाते हैं जिसमें कि क्राइम को होने से रोका जाता है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं खुद सर जी मेरा यही कहने का मतलब था कि जीरो एफआईआर वहाँ गई कि नहीं गई फतेहपुर,
मैं वही क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, यही तो मेरा कहना था। ये श्री माधोपुर है तिवारी जी, तिवारी जी श्री माधोपुर है, फतेहपुर नहीं है। ठीक है वो मुद्दा विषय की गंभीरता है, जगह तो ठीक है। सवाल ये है कि अगर हितेंद्र शर्मा जी को दुकानों की जानकारी राजीव तिवारी जी से लेनी पड़ेगी तो प्रदेश में ऐसी घटनाएं रुक नहीं सकती, ना ही कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जो आपने थे आज विपक्ष को रोक सकते हो, ना ही विपक्ष सिर्फ सवाल उठा के टीवी चैनल में इन सब मुद्दों पर अपनी मजबूत स्थिति बना सकता। विपक्ष को भी ग्राउंड में जाना पड़ेगा और सरकार को भी काम करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते हैं कि किस तरह से इस ट्रांसजेंडर की जो स्थिति है, डॉक्टर्स आगे किस तरह से बताते हैं कि किस कितने दिन लगते हैं, कितना समय लगता है, और जो अपराधी है उसे पुलिस किस तरह से गिरफ्तार करती है और क्या कार्रवाई करती है, और इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा होता है, और उसके बाद पता चलेगा कि दरअसल समाज किस किस तरह की घटनाओं पर किस किस तरह से रिएक्ट करता है, और अपराधों की जो संख्या बढ़ रही है उसमें क्या क्या कारण नए बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि हम समाज में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने लेकर आए। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।